हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से एक्सरसाइज 10E। लास्ट वीडियोस में हमने 10ABCD ऑलरेडी कर ली हुई है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6 की मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी जो क्लास 6 की अभी तक चैनल पर अपलोडेड हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 and 27। अब हमने इनके बीच में क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। जैसे हमने सीखा था प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म जैसे दो रेशोज और बाकी दो रेशोज हैं हमारे पास, एक फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो, वो जब आपस में इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं वो प्रोपोर्शन में है। अब मीन प्रोपोर्शन लिखने के लिए सपोज आपके पास ना ऐसे नंबर होते हैं, जैसे ए है हमारा, फिर बी है। मीन प्रोपोर्शन में जो सेंटर नंबर होता है ना वो रिपीट होता है, बी दोबारा आ गया देन सी, तो ए रेशो बी इक्वल होगी बी रेशो सी के, तो ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने ध्यान से समझना है सबने। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो मीन्स आपका डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि ए ओवर बी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बी ओवर सी। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए रेशियो मीन्स डिवाइड, ए ओवर बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल टू बी ओवर सी। अब करना क्या होता है, देखो ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी बी से, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर हो गया हमारा ए इंटू सी एंड बी इंटू बी। अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट समझाती हूँ, देखिए b इंटू बी हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे तो ए सी लिख सकते हैं चाहे ऐसे ही, a इंटू सी आपका ए सी बन गया, b इंटू बी बन गया बी स्क्वायर, उसको हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, देखिए b इंटू बी बी स्क्वायर कैसे बना, ये होता है अलजेब्रा में, जब हम पूरा कंसेप्ट अलजेब्रा का सीखेंगे और जब आप अलजेब्रा की वीडियोस देखेंगे, मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी हुई है पूरी सीरीज़ अलजेब्रा का पूरा यूनिट, जिसमें फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सिंपल लीनियर इक्वेशन भी पूरा डिटेल में मैंने अलजेब्रा वो यूनिट सॉल्व करके अपलोड कर दिया हुआ है, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी, वो वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है। देखिए अब बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर हमारा, देन अब हमारे पास ये बन गया हमारा फॉर्मूला, जब भी आपके पास आएगा मीन प्रोपोर्शन उसको सॉल्व करने का, तो हम हर समय ऐसे लिख भी सकते हैं या सीधे ऐसे भी करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास नंबर नहीं दिया है ना, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एक्स, लेट द, क्योंकि हमारे पास वो ही नहीं है तो हमने लिख दिया लेट द मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स, हमने उसको एक्स ले लिया यहाँ पे। देन हम कैसे लिखेंगे, 3 ratio x, क्योंकि हमने x लिया है, प्रोपोर्शनेट टू x ratio 27। मैंने आपको भी समझाया, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये लास्ट नंबर है, बीच का नंबर है मीन, जो x हमने लिया है वो दो बार लिखेंगे। तो हमने इसको कैसे लिखना है, सेम मेथड हमारा कि x, देखिए अब जब हम एक तो ये भी है, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताया, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, बस फॉर्मूला आपका कैसे बना मैंने आपको वो समझाने के लिए लिखा था कि मीन प्रोपोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये वे था, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है, तो एक्स इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 3 into 27 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्स इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा 81। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है आपने, देखिए अब क्या होता है, जो जो ये स्केयर है ना, अभी आपके लिए थोड़ी हार्ड टर्म होगी, आपको लगेगी बिल्कुल न्यू टर्म है, मैम हमें सिखा रहे हैं, पर जब आप आगे जाएंगे 7th, 8th में जाके तो आपको डिटेल चैप्टर है स्केयर रूट्स का। तो अब हम समझते हैं स्केयर रूट होता क्या है। देखिए जैसे ये नंबर इधर स्केयर है ना, जब हमने स्केयर को हटाना है इसको बोलते हैं स्केयर, जब पावर 2 होती है ना इसको पावर बोलते हैं, ये होता है स्केयर। तो जब भी इसको हम रिमूव करते हैं दूसरी साइड, जैसे ये आपकी लेफ्ट साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, जब भी स्केयर इधर आएगा तो ये वाला सिंबल बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्केयर रूट। क्या बोलते हैं, स्केयर रूट। अब देखिए फिर से वही बात, अब स्केयर रूट क्या होता है मैम और कैसे इसको सॉल्व करें। बेटा स्केयर रूट में क्या करना होता है आपको, हमें देखना होता है एक ऐसा नंबर जिसको 2 times मल्टीप्लाई करके 81 आ जाए। तो
वैसे तो 9 9 81 होता है, बट अगर आपको नहीं ढूंढना आएगा तो मैं आपको एक मेथड सिखाती हूँ। अगर आपको ऐसे डिफिकल्ट लगे, जैसे 81 तो हम सीधे लिख देंगे कि 9 को दो बार मल्टीप्लाई करके 81 आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9। बट कभी कभी होता है बड़े नंबर आ जाएंगे तो आपको वो ऑलरेडी नहीं आते होंगे। तो देखिए, आपको इसके निकालने हैं प्राइम फैक्टर। जैसे 3 के टेबल में जा सकते हैं ना, यहाँ पे भी 3 9 3 3 एंड 3 1। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमेशा 2 2 के पेयर, यहाँ पे स्केयर है ना पावर, तो 2 2 के पेयर बनाने होते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, हर पेयर में से एक नंबर आ जाता है हमारा बाहर, और जो बाहर आए हुए नंबर होंगे उनको कर देना है मल्टीप्लाई, 3 3 9। तो हमें अपना आंसर मिल गया 9। चलिए अब हम ये वाला पार्ट भी करके देखते हैं। अब ये आप कहेंगे मैम एक थोड़ा सा और हार्ड आ गया, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको ये लगेंगे, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले मैं वही लिखती हूँ कि मैंने अपना मीन प्रोपोर्शन एक्स ले लिया। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्स इंटू एक्स 0.60 × 0.96, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब हम इनको कैसे सॉल्व करें, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है तो हम डेसिमल पहले हटा लेते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल है ना और साथ में मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर रूट भी करना है बाद में तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हमने ऐसे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसका आंसर लिख लेते हैं। तो पहले हम 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 9 को मल्टीप्लाई करके 96 को, तो 96 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी हमने 100 × 100 कर देना है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, बट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं कि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 96 × 6 = 576। अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 576 ओवर 10,000 इन स्केयर रूट। देखिए ये क्या सिंबल होता है स्केयर रूट का, फिर से वही बात कि हमें ये ढूंढना है कि किस नंबर को 2 times मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, और किसको 2 times मल्टीप्लाई करें 10,000 आ जाए। तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि इतने बड़े नंबर्स हैं। तो चलिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं। और सबसे पहले हमने ये पीछे हमारे पास इवन नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं, देन 2 2 = 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 carry 17, 2 8 = 16 and 2 8 = 16। फिर से 2 पे जा सकते हैं, 2 1 = 2 4 = 2 4 = अगेन 2 7 = 2 2 = यहाँ पे आ गया 2 3 = 6 और 1 carry हो गया 2 18 = देन अगेन 2 के टेबल में जा सकते हैं 2 9 = और यहाँ पे 3 3 = 3 1 = जब तक 1 नहीं आ सकता आपने सॉल्व करना है। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं, पहले 2 के टेबल में तो 2 5 पे गया, पीछे 3 0s, 2 2 = 1 carry, 2 5 = 2 0s, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1 carry, 2 5 = 2 6 = 2 2 = 4, 1 carry हो गई यहाँ पे। अब पीछे 5 है तो 5 के टेबल में जा ही सकता है ये नंबर, 5 1 = 5 2 = 5 5 = 5 25 = 5 5 = एंड 5 1 = अब देखिए मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि आपने क्या करना है, पहले आप ये आपको समझ आना चाहिए डिटेल में। अगर ये अभी तक आपको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि मैम हमें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्योंकि तभी आपको बाकी समझ भी अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए ये हमने क्या किया, जब भी ये स्केयर का समझना क्या है, जब भी ये स्केयर का साइन होगा तो आपको दूसरे नंबर, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्केयर की नहीं चाहिए, तो दूसरे नंबर दूसरी साइड जाके वो बन जाएगा स्केयर रूट। और स्केयर रूट कैसे निकालते हैं मैं आपको वो डिटेल में सिखाने लगी हूँ। देखिए पहले हमने ये बनाया, अब आपको क्या करना है, 2 2 नंबर्स के पेयर बनने हैं, और हमारे हर क्वेश्चन में बनेंगे अगर परफेक्ट स्केयर है तो। वो देखिए यहाँ बन गए, हर नंबर में से, हर पेयर में से ओनली 1 digit ही बाहर निकालना होता है। देखिए अब हमने ले लिए बाहर, अब आपको क्या करना है, जैसे ये हमारे पास 576 है ना, तो हमने ढूंढना है ये इसका स्केयर रूट क्या है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। इट मींस, मैं इसका मतलब भी समझाती हूँ, इट मींस 24 का अगर आप स्केयर करेंगे, स्केयर करने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को 2 times मल्टीप्लाई करना। इट मींस अगर आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 × 24, तो आपका आंसर आएगा 576। चलिए अब इसको भी कर लेते हैं हम, इधर 10,000 का स्केयर रूट फाइंड करना है, 2 2 = 4, 5 5 = 25, 25 4 = 100। इट मींस 100 को 2 times मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ रहा है
10,000, तो हमें अपने आंसर्स मिल गए। ऊपर वाले नंबर के लिए हमें आंसर मिल गया 24 और नीचे हमें मिल गया 100। और हमें ये ध्यान देना है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं ना, दोबारा वो सिंबल नहीं लगाना, ये जो सिंबल हमने यहाँ बनाया दोबारा नहीं बनाना, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको डेसिमल भी लिख सकते हैं, नीचे 2 ज़ीरोज़ एंड टू डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0.24। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको मेरी टीचिंग वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए। चलिए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अब वहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, मेन प्रोपोर्शन। अब यहाँ हम क्या फाइंड करने लगे हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन को एक्स ले लेते हैं। तो अब अपने ध्यान से समझना, जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शन में है ना, तो बीच वाला 4 नंबर्स होंगे हमारे पास, यहाँ पे अगर 2 दिए हैं सिर्फ, तो सेंटर वाला नंबर हमेशा रिपीट होता है। अब जब हमने खुद से थर्ड फाइंड करना है, तो ये जो सेकंड नंबर दिया होता है ये आपको सेंटर में लिखना है। देन थर्ड प्रोपोर्शन को ले लिया एक्स, अब ध्यान से देखना है, उसमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था, तो हमने मीन प्रोपोर्शन की जगह एक्स पे लिया। अब हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, इट मीन्स मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 18। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली 36 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके हो गया डिवाइड। और ये के जैसे एक्स एक वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो तो दूसरे जाके वो हो जाता है डिवाइड। और ये हमने किस में डिटेल में सीखा हुआ है, पूरे अलजेब्रा वाले चैप्टर्स में, तो वो वीडियोज़ आपको ज़रूर देखनी जिससे आपका अलजेब्रा क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ गया 18 वनज़ा, 18 टूज़ा, 2 वनज़ा एंड 2 नाइन्ज़ा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 9। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 5.25:7 प्रोपोर्शनेट टू अगेन 7 देन एक्स, क्योंकि क्वेश्चन 2 में हमारे पास 3 पार्ट्स और तीनों पार्ट्स में थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो उसकी जगह पे एक्स लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ही लिखना होता है, पहले मैंने एक्सट्रीम लिख लिया क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 7 × 7, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके डेसिमल हटा भी सकते हैं, या दूसरी साइड ले जाने के बाद हटा लेंगे। तो 7 × 7 एज इट इज़, आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं आपको कटिंग करना सिखाती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई नहीं की, बाद में भी कर सकते हैं। 5.25 आ गया हमारे पास यहाँ पे नीचे। देन एक्स इज इक्वल टू, देखिए आप क्या लिखोगे, आप करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 7 = 49। यहाँ पे हमने इस नंबर को लिखा, अब हटाएंगे इसका डेसिमल। देखिए जब डिनोमिनेटर में कोई डेसिमल वाला नंबर है उसको हटा के हम ऊपर लगा लेते होते हैं जीरोज़, डेसिमल की जगह पे हमने 1 लगा लिया, पीछे 2 डिजिट से तो 2 ज़ीरोज़ आ गई, इसका डेसिमल रिमूव हो गया। अब देखिए कटिंग हो सकती है तो हम कर लेंगे, और आप सबको पता है कि इसकी कटिंग हो सकती है क्योंकि 5 एंड पीछे 0 तो 5 के टेबल में जा सकते हैं, 5 2 ज़ा एंड 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5 5 0 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, ये हमने कटिंग की, और 5 के टेबल में जा रहा है, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, 21 और 7 जा रहे हैं, 21 एंड 49 दोनों 7 के टेबल में जा रहे हैं, तो 7 3 ज़ा एंड 7 7 ज़ा, और कटिंग नहीं होती तो हम लिख देते हैं 7 4 ज़ा 28/3। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या बन जाएगा हमारा, 3 9 ज़ा 27 27 + 1 28 28/3, तो हमारा आंसर आ गया 9 1/3। अगेन हम अपना थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, 1.06:0.40 ( 0.40 और लास्ट में हमने लिख लिया एक्स, तो हमें वही करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो लास्ट वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे और सेंटर वाले भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं डेसिमल हटा ही लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं ना, तो इसका डेसिमल हटा के आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, नीचे लगा दिया 100, इसका भी डेसिमल हटाते हैं नीचे 100 आ गया, इसका भी डेसिमल हटा देते हैं नीचे 100 आ गया। नंबर के आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने आगे जीरो नहीं लिखी, पर पीछे वाली जीरो को हमने लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपने डिटेल में समझना, ऊपर लिख सकते हैं 40 × 40 एंड नीचे 100 × 100। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझना है, ये नंबर इधर क्या हो रहा है, 100 एक्स के साथ 160 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई,
और 100 हो रहा है डिवाइड, अगर 100 एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर चला गया, और ये ऊपर था मल्टीप्लाई हो रहा था 160 आ गया नीचे। ये बहुत ध्यान से समझना है आपने, देखो 100 से 100 कट गया, 40 से 0, 0 से 0, इतनी कटिंग हो गई। अब हम और देखेंगे कटिंग होती है तो कर देंगे, 4 1 4 4 और यहाँ पे 0, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास 1 एंड नीचे आ गया हमारे पास 40। ऊपर हमारे पास एक 4 और है तो 4 1 4 लिख देते हैं, 4 1 4 और नीचे 40 और कटिंग हो सकती है, 4 1 एंड 4 10 1/10, और जिसको हम ये भी लिख सकते हैं डेसिमल लगा देते हैं एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे, तो नीचे 0 है एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, हमारा आंसर आ गया 0.1। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो बिटवीन 7 and 5 इज सेम एज द रेशियो बिटवीन एक्स एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इट मीन्स 7/5 की जो रेशियो आएगी वो किसके इक्वल है, एक्स रेशियो दिस 20.50। तो हमें पता है जब दोनों रेशियो सेम होती है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा सकते हैं। इट मीन्स अब आपके मीन्स कौन से हैं, जो सेंटर वाले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × x = 7 × 20.50। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो आप चाहो तो डेसिमल में भी कटिंग कर सकते हो, अगर बच्चों को डेसिमल में कटिंग करना डिफिकल्ट लगता है तो हम डेसिमल को पहले हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 एज इट इज लिखा रहने देते हैं, नीचे आ गया 100 डेसिमल यहाँ पे था ना, तो इन प्लेस ऑफ डेसिमल मैंने 1 लगा के पीछे 2 डिजिट थे डेसिमल के, 2 जीरोज आ गई, 5 1 5 4 20 5 1 5 and 0 0। अब देखो अब लास्ट वाला 0 इस 0 से कट भी सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया 7 × इसकी कटिंग कर सकते हैं, बट ऊपर 10 के साथ तो होने ही नहीं, तो हम सीधा डेसिमल लगा देंगे, तो हम लिखते हैं 7 1 7 7 4 28 एंड x इज इक्वल टू एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया हमारे पास 28.7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 7:4। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अपने आंसर में रेशियो इन द कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल्स, दी हुई है हमें 7:4। इफ द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 2800, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल, जिसकी कॉस्ट हमें नहीं पता थी हमने ले लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल बी एक्स। देन अब देखिए रेशियो सेम है दोनों की, देखो जैसे उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल इतनी दी हुई है, फर्स्ट आर्टिकल कॉस्ट पता है सेकेंड की निकालनी है, तो इनकी रेशियो भी क्या होती है सेम, तो आपको क्या करना है इसकी रेशियो किसके इक्वल होगी इन दोनों के। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर यहाँ पे टू आर्टिकल लिखे ना, मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो जो फर्स्ट आर्टिकल आपका दिया आपने उसको पहले लिखना है फिर सेकंड आर्टिकल लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ही करते हैं ना हम, तो ऐसे ही करेंगे 7 × x कर लेंगे एंड 2800 × 4 कर लेंगे, ये मेथड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन का। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर दिया इन दोनों को डिवाइड, वो मेथड भी है, पर बेटर है कि हम एक मेथड से आप सीख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन, तो उसी से हम कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये एज इट इज़ आ गया 7 आके हो गया डिवाइड, 7 1 7 4 28 2 0, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट 4 4 16 पीछे 2 0, तो हमारा आंसर आ गया 1600, कॉस्ट ऑफ सेकेंड आर्टिकल ₹1600। अब यहाँ देखो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ की हमें रेशियो दी हुई है 8:5, हमें उसकी विथ भी दी जिसको हम ब्रेथ भी बोलते हैं दैट इज 17.5, हमें फाइंड करनी है लेंथ, तो हमने लेंथ को क्या लिख लिया यहाँ पे x। देखिए आप सब लेंथ को x लिख लिया है, अब आपको रेशियो फाइंड करनी है तो हम वही करते हैं, मतलब उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो 8:5 किसके इक्वल है, देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला था रेशियो दी हुई है लेंथ एंड विथ, तो पहले लेंथ है और फिर विथ है, तो आप यहाँ भी पहले लेंथ लिखोगे और फिर विथ लिखोगे, ये ध्यान देना है, तो लेंथ की जगह पे x आ गया, विथ की जगह पे 17.5, ध्यान से यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 5 × x इज इक्वल टू 8 × 17.5, तो x इज इक्वल टू 8 × 17.5 / 5,
अब यहाँ कर लेते हैं इसकी कटिंग, देखिए 5 1s और 5 3s कितना होता है 15, 2 बच गए, देन यहाँ पे आ गया डेसिमल, 5 5s 25, और अगर आपको डेसिमल हटा के करना है तो वो भी मैं आपके लिए कर देती हूँ पहले। चलिए यहाँ पे हम डेसिमल हटा के कर लेते हैं, बच्चों को इजी हो जाए सारे स्टूडेंट्स को, तो 5 1s 5 3s 15, 2 carry 25, 5 5s इतना कर लिया। अब हम इसको कटिंग नहीं करते, सीधी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 8 को 35 से हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 280 ओवर 10, 0 0 कट गए, तो हमारा आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे आ गई लेंथ आपकी 28 सेंटीमीटर। अब हमने आज अपने एक्सरसाइज 10E के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ भी गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।